हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है साहिब, मैं आपके सामने आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जैसे मामू थे मेरे साथ, उन्होंने बताया था कि जगन्नाथ जी बीमार चल रहे हैं अभी। तो आज है नेत्र उत्सव, आज उनकी आंखें खुली हैं, आज वो ठीक हैं प्रॉपर, जैसे हमें ठीक होने में बहुत अच्छा लगता है। तो आज वैसे ही वो अल्टर से बाहर आके बैठे हुए हैं। मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, मैं इधर या इधर कहीं डाल दूंगा वीडियो, आप देख लेना, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश था भक्तों का, तो मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया। तो मैं गया, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। 15 दिन बाद किसी इंसान को भी यार होश आता है ना, बीमार उठता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता। तो आज नेत्र उत्सव और कल है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। अभी पहुंचे हैं टेंपल दोबारा। हाँ प्लीज, तुझे आप देवी जी थोड़ा देर ले आती हूँ। आज जगन्नाथ जी ने 15 दिन बाद महाप्रसाद चावल अन्न प्रसाद खाया। निकलते हैं यार। तो मैं जगन्नाथ टेंपल से आ गया हूँ। मेरे को लग रहा है सारा का सारा व्लॉग ना कहीं गाड़ी में ना निकल जाए। तो भाई घर चलते हैं। आपने मंदिर देखा ना कितना सज रहा था, अभी भी रात को लाइटें लग जाएंगी इसमें। ओए अभी तक लगा हुआ है? चलो उतारना नहीं है, चंदन है ना लगाओ। मैं घर आ गया हूँ, प्लान था सोने का लेकिन सोया नहीं हूँ मैं। नींद मेरे को घर आते ही ना बिल्कुल नहीं आई नींद। तो फिर मैंने कहा मूवी देखता हूँ, बहुत दिन से आ रखी। अवतार है या एवेटार है पता नहीं, मतलब फर्स्ट पार्ट देखा हुआ मैंने, अब सेकंड पार्ट आया। काफी टाइम से चाह रहा था देखना, टाइम ही नहीं लग रहा था। मैंने सोचा चलो आज देख लेता हूँ, नींद सोना नहीं आज, फिर शाम को फिर निकल जाऊंगा मैं टेम्पल। मूवी कंप्लीट होगी और बारिश भी आनी स्टार्ट होगी और मैंने चंदन भी नहीं उतारा अभी तक, मौसम सही हो रखा है। मूवी कंप्लीट हो गई है, मूवी अच्छी थी, बहुत बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन लंबी बहुत थी यार। बारिश आ रही है, मौसम ठंडा हो गया, जितना गर्म था उतना ठंडा हो गया। अभी तक ना मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना विदाउट इनके करता था, और इनके साथ भी देखता हूँ आवाज़ आती कैसी है, क्या पता अच्छी आए। ट्राई करते हैं अच्छी आए, किसी माइक वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरे ख्याल से अच्छी आनी चाहिए इनके साथ भी आवाज़। टाइम हो गया है 9:45, तो मैं दोबारा आ गया हूँ जगन्नाथ टेंपल। वो देखो पीछे है मेरे, रथ रेडी हो रहा है, रथ खड़ा है और सारी तैयारियाँ चल रही हैं। अब मैंने ये लगा रखा है, पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी। देख रहे हो जबरदस्त तैयारी होनी है, ओए तैयारी हो रही है। ऑल्टर हो गए क्लोज और टाइम हो गया 10 बज गए। अभी हम यहीं बैठे हुए हैं, इधर ही बैठे हुए हैं, तो बस अभी निकलते हैं, सुबह भी आना है यार। नींद आने लगी मुझे तो अभी से ही। प्रभु जी लग गए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कल तैयारी पूरी पूरी तैयार हो गई, निकलते हैं अब सुबह। मेरे ख्याल से आना पड़ेगा एक बार, उसके बाद आपको रथ यात्रा के दर्शन करवाता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ दोबारा। अगले दिन बंदा वही है, चश्मा वही है, बस कपड़े चेंज है, घड़ी भी वही है। तो अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पे, और जगन्नाथ जी आए हैं बाहर मंदिर से। साल में एक बार आते हैं वो, अपने रथ पे विराजमान है और पूरी चंडीगढ़ की रोड पे घूमेंगे, सबको दर्शन देंगे। पतित पावन है, हम पतित हैं भाई, वो पावन कर देंगे हमें। तो जहाँ पे भी दिखे आपको उनका रथ, दंडवत लगा देना, समझे? तो चलो अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पूरी रथ यात्रा चलते हुए आ रही है। भाई रथ आ गया है बिल्कुल ही पास में। ओ भाई भाई, सिनेमैटिक में तो बहुत जबरदस्त व्यू आता है। बहुत ज़्यादा भीड़ है और शोर बहुत आ रहा है, इसलिए मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। मैंने कहा कि मैं गाड़ी के अंदर ही व्लॉग का एंड कर देता हूँ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना मेरी वीडियो को, और मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको दिखती रहेंगी और मेरे को बताना आपको जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे लगे। ये साल में एक ऐसा महोत्सव होता जरूर है कि जगन्नाथ जी रथ पे बैठ के हम सबको दर्शन देने के लिए आते हैं। अभी तो यार मैंने स्टार्ट ही किया है, मेरा चैनल है, तो पता नहीं किसको पसंद आऊंगा नहीं आऊंगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग सपोर्ट रखना अपनी, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नई वीडियो में, ऐसी कुछ अच्छी सी वीडियो में। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को अच्छी बनाने की और अच्छी बनाने की, लेकिन बस मुझे बता देना और प्लीज़ कहते हैं ना भूल चुक माफ़ करना यार, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। चलो मिलते हैं, ओहो बाल भी बुरा हाल हो गया। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ मैं, जो लास्ट स्टोरी आपने सुनी थी इसी चैनल पे, मैं बैठा था, मामू बैठे थे, बताई थी आपको स्टोरी की जगन्नाथ जी बीमार क्यों होते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट में बताई थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जो देख रहा है मेरे चैनल को उसको प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर पता हो उसको। तो जितना मैंने वैष्णव भक्तों से सुना है और जितना पढ़ा है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितना है मुझे पता है मैं आपको सारी स्टोरी बता सकूं। तो कल इसी चैनल पे स्टोरी प्रॉपर आ जाएगी जगन्नाथ जी बीमार क्यों होते हैं, समझे। अरे